बीते 48 घंटों से लगातार घाघरा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से गोंडा जिले के करनैलगंज और तरबगंज तहसील के कई गांव में पानी घुस गया। सैकड़ों परिवार बेघर हो गए, हजारों बीघा फसलें बर्बाद हो गई। सुरक्षा के लिए बनाए गए नखहरा रिंग बांध पर भी मिट्टी का कटाव दिखाई दिया, जिसे बांध की मिट्टी से भी भरा जा रहा है। विभिन्न बैराजों से छोड़े गए पानी और घाघरा के बढ़ रहे जल स्तर से लोगों की बड़ी मुसीबतें। बात किया जाए अगर गोंडा जिले के, तो गोंडा जिले के नखहरा बंधे पर इस समय हम उपलब्ध हैं। जो है सरकार के तरफ से दावे किए जा रहे हैं बड़े बड़े कि यहाँ के लोग जो है सुरक्षित हैं, लेकिन यहाँ के बंधे के हाल इस तरीके से हैं कि जो यहाँ बोल्डर लगाए गए हैं, थोड़े में तो बोल्डर लगा है, उसके बाद वीडियो में हम दिखाएंगे कि जो रेनकट हुए हैं बंधे पे बरसात के वजह से, उसके जो है बंधे के निकट से ही मिट्टी काट कर और उसको रेनकट को भरा जा रहा है। जिस तरीके से बंधे से पानी सटा हुआ है, उसी बंधे की तरफ से ही मिट्टी की खुदाई करके और बंधे को पाटा जा रहा है। प्रशासन के तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ के लोगों जो है बहुत सुरक्षित हैं, लेकिन ये है सुरक्षा का हाल। जो है करनलगंज तहसील क्षेत्र में आता है, यहाँ पे जो है बंधे के किनारे लगभग सैकड़ों गांव इस चपेट में आएंगे। वीडियो में आपको दिखाएंगे कि जिस तरीके से यहाँ पे रेनकट बनाया गया है, उसी तरीके से यहाँ के बंधे के किनारे से ही मिट्टी काट कर और बंधे की पटाई की जा रही है। गोंडा से अनादि टीवी, भूपेंद्र तिवारी।